अमित खरे, प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि आखिर कितने खरे हैं अमित खरे, क्या है उनका बैकग्राउंड और उनकी उपलब्धियां क्या हैं, और किन किन वजहों से कब कब वो चर्चा में रहे। झारखंड कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खरे की छवि एक बेदाग, ईमानदार, बेहद सख्त और जुझारू अफसर की रही। अमित खरे केंद्रीय शिक्षा सचिव के पद से 30 सितंबर 2021 को ही रिटायर हुए थे। 12 दिन बाद ही उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में नई जिम्मेदारी मिल गई। अमित खरे को बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद पहला कमर्शियल टैक्स कमिश्नर बनाया गया था। वहां उन्होंने राज्य में शिक्षा, वित्त और राज्यपाल के प्रधान सचिव से लेकर विकास आयुक्त का पद संभाला। अमित खरे की बड़ी कामयाबी में चारा घोटाले का खुलासा भी शामिल है। सरकारी राशि के बंदरबाट से जुड़े इस मामले को सबसे पहले उन्होंने चाईबासा के जिला अधिकारी रहते हुए पकड़ा था। साल 1996 में उन्होंने इस मामले में पहला केस दर्ज करने का ऑर्डर दिया। तब बिहार के सीएम रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र को इसी मामले में जेल की हवा खानी पड़ी थी। झारखंड में डायन हत्या की प्रथा को रोकने की दिशा में पहल करने वालों में भी पहला नाम अमित खरे का ही आता है, उन्हीं का नाम शामिल है। चाईबासा के उपायुक्त रहते हुए अमित खरे ने डायन हत्या के खिलाफ सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाया। उनकी इस पहल के लिए देश भर में खूब चर्चा उस वक्त हुई थी। अमित खरे पटना और दरभंगा के जिला अधिकारी भी रहे और बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा कंबाइंड कराकर बहुचर्चित मेधा घोटाले को रोका। शिक्षा मंत्रालय में बतौर सचिव के पद पर रहे अमित खरे की एक और बड़ी उपलब्धि रही और वो थी उनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति का लागू होना। 34 साल बाद साल 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। अपने कार्यकाल के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई क्रांतिकारी बदलाव किए। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया। तकनीकी संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा दिया। अमित खरे के पास अगस्त 2021 तक केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। इस दौरान उन्होंने डीडी झारखंड समेत करीब एक दर्जन सैटेलाइट चैनल लॉन्च किए। तो वहीं डिजिटल मीडिया पॉलिसी समेत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मजबूती के लिए भी अमित खरे ने कई कदम उठाए। अमित खरे को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय भी जाता है। अमित खरे की पत्नी निधि खरे एक झारखंड कैडर की एक आईएएस अधिकारी हैं। अमित खरे के बड़े भाई अतुल खरे भी एक आईएफएस अधिकारी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नव भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।